हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। मेरा नाम है कृतिका और आज जो है हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस करने जा रहे हैं। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम करेंगे जो बी लेटर से स्टार्ट होते हैं। इससे पहले ये सीरीज स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसे हैं बी लेटर से जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये बी लेटर से स्टार्ट होने वाली ईडियम्स फ्रेजेस की फोर्थ वीडियो है। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और वैसे भी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ईडियम्स एंड फ्रेजेस और कौन से जो स्टार्ट होते हैं लेटर बी से। आज का पहला जो है हमारे पास ईडियम्स एंड फ्रेजेस में जो पहला है वो है ब्रेक डाउन। क्या है पहला? ब्रेक डाउन। अच्छा, ब्रेक डाउन का मतलब क्या है? अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग देखूँ तो ब्रेक डाउन कुछ टूट के गिर जाना ना, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन को अब कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल कोई चीज़ थी वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये इमेज देखें तो यहाँ इस इमेज को देख के आप बिल्कुल अच्छे से ये समझ सकते हो कि ये क्या हुआ है, गाड़ी ख़राब हो गई है। तो जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन। या फिर कोई पर्सन कभी कोलैप्स कर जाता है, रो पड़ता है अचानक से, तो वहाँ भी हम यूज़ करते हैं किसका? ब्रेक डाउन का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? टू स्टॉप वर्किंग, जब कोई भी चीज़ काम करना बंद कर दे उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन। फॉर एग्जाम्पल हिज कार ब्रोक डाउन, उसकी गाड़ी जो थी वो चल मतलब क्या हो गई, बंद हो गई, उसने काम करना बंद कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ लिखा है मैंने, द वूमेन ब्रोक डाउन इन टू टीयर्स, कि वो जो औरत थी वो एकदम से रो पड़ी। ठीक है, उसको एकदम से आंसू आ गए, शी ब्रोक डाउन इन टू टीयर्स। क्लियर? तो ब्रेक डाउन को इस तरीके से हम दो जगह यूज़ करते हैं, जब तो कोई चीज़, कोई मशीन, कोई भी मशीन हो सकती है, गाड़ी नेसेसरीली नहीं है, कोई भी मशीन या चीज़ जब काम करना बंद कर दे, या पर्सन कोई था वो इमोशनली एकदम ब्रेक डाउन हो जाए, आंसू उसको आ जाए, है ना, तो इमोशनल ब्रेक डाउन भी हम इस तरीके से भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर का मतलब क्या होता है? देखो, ब्लू कॉलर इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्क, एस्पेशली द सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो कोई भी ऐसा इंडस्ट्री वर्क जहाँ पे कोई भी सेमी स्किल्ड पर्सन काम करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज में बहुत सारी लेबर काम कर रही होती है, तो वो जो काम करते हैं उसको हम ब्लू कॉलर जॉब्स कहते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, घर बनाने का काम करते हैं जो लेबर, वो जो अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड लोग होते हैं, उस तरीके की जॉब्स को हम ब्लू कॉलर जॉब्स कहते हैं। अब जैसे ये ब्लू कॉलर है, वैसे ही हमारे पास होती हैं पिंक कॉलर और वाइट कॉलर जॉब्स भी, और रेड कॉलर भी होती है। पिंक कॉलर होती हैं, रेड कॉलर होती हैं, और कौन सी होती है? वाइट कॉलर जॉब्स। अच्छा, अब ये क्या होती हैं? अगर मैं बात करूँ पिंक कॉलर जॉब की, तो पिंक कॉलर जॉब वो होती है जहाँ पे किसी पर्सन को कम सैलरी पे दी जाती है, कम सैलरी पे रखा जाता है काम करने के लिए, और जैसे कि कोई लाइब्रेरियन है या रिसेप्शनिस्ट है, इस तरीके के काम जहाँ पे सैलरी कम है लेकिन जो पर्सन है वो थोड़ा पढ़ा लिखा भी है। ठीक है, तो वो होगी पिंक कॉलर जॉब्स। उसके बाद आई रेड कॉलर जॉब्स। रेड कॉलर किन्हें कहते हैं? जो गारमेंट जॉब्स करते हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी वालों को रेड कॉलर कहते हैं। और वाइट कॉलर हो गए प्रोफेशनल्स, जो किसी पर्टिकुलर आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, ये किसी भी पर्टिकुलर टर्म में जो ऑफिस जाते हैं और प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको कहते हैं हम वाइट कॉलर। ठीक है, क्लियर है ये कॉलर्स वाली टर्म? सो ब्लू कॉलर क्या है हमारे पास? इट इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्क, स्पेशली दी सेमी स्किल्ड और दी अनस्किल्ड। अब इसका यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, द न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन विल ओपन अप द डोर्स फॉर मेनी मोर ब्लू कॉलर जॉब्स। तो जब टाउन के आउटस्कर्ट्स एरिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलेगी तो उससे क्या होगा, ब्लू कॉलर जॉब्स की और भी अपॉर्चुनिटीज एरिया में बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास बिग माउथ। आप यहाँ देखो, इसने बड़ा सा मुंह खोल रखा है ना, बिग माउथ। बिग माउथ का मतलब है अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, और या फिर आप कह लो कि हर चीज़ में अपनी नाक घुसाते हैं ना, अपना टांग अड़ाते हैं और आपके सीक्रेट्स रिवील कर दे। मतलब बिग माउथ मतलब कि कोई अपना मुंह खोले तो आपके सीक्रेट्स रिवील कर दे, जिसको कि आप चुप कराना चाहते हो, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं बिग माउथ। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, वी आर स्केयर्ड ऑफ इन्वाइटिंग हिम एट द पार्टी एज आफ्टर फ्यू ड्रिंक्स ही टर्न्स इनटू अ बिग माउथ, कि हम सब उसको जो है पार्टी में बुलाने से डर रहे हैं क्योंकि कुछ एक ड्रिंक्स लेने के बाद वो क्या बन जाता है, बिग माउथ बन जाता है। मतलब कि वो अपने हमारे जो है कोई भी सीक्रेट्स है उनको रिवील कर देता है, कुछ ज़्यादा ही बोलने लग जाता है जो कि सही नहीं है। ठीक है, बिग माउथ, बड़ा मुंह खोलना है। नेक्स्ट है हमारे पास बेली लाफ।
बेली लाफ जो है वो हो गया पेट पकड़ पकड़ के हंसना, है ना। बेली लाफ जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि कितनी जोर जोर से हंस रहा है ना, बेली लाफ हो गया पेट पकड़ पकड़ के हंसना, मतलब बहुत ज्यादा हंसी आना, अ वेरी हैवी लाफ, और टू लाफ अनकंट्रोलेबली। कभी ऐसा होता है कोई बात होती है और हम हंसते ही रह जाते हैं, फिर सब हंसते हैं उस पर बहुत देर तक, बहुत हैवी लाफ होती है ना, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बेली लाफ, जिसको हम कहते हैं कि हंस हंस के पेट में दर्द हो गया हिंदी में कहते हैं, तो दैट इज़ बेली लाफ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, दिस कॉमेडी शो ऑलवेज गिव मी अ बेली लाफ। तो जब भी मैं ये कॉमेडी शो देखती हूँ तो मुझे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हंसी आती है, इट गिव्स मी अ बेली लाफ। नेक्स्ट देखते हैं, तो इससे पहले हमने बिग माउथ पढ़ लिया, अब है हमारे पास बैड माउथ। बैड माउथ का मतलब क्या होता है, टू क्रिटिसाइज और से समथिंग बैड अबाउट समथिंग और समवन, कि किसी के बारे में कोई बुराई करना, चुगली करना, उसे हम कहेंगे बैड माउथ। ठीक है, अब देखो जब बिग माउथ था तो बड़ी बड़ी बातें करके सीक्रेट्स रिवील कर दिए बहुत ज़्यादा बोल के। बैड माउथ मतलब बुरी बात करना, माउथ से रिलेटेड है तो किसी बात की बात हो रही है कि किसी के बारे में आप अच्छा कह रहे हो, बुरा कह रहे हो, ज़्यादा कह रहे हो, तो जब माउथ लग गया बैड के साथ तो किसी की चुगली करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ये किसी के बारे में कोई भी बुरी बात करने को हम कहते हैं बैड माउथ। ठीक है, यहाँ देखो जैसे इमेज में यहाँ दिखाया बैड माउथ, यहाँ पे ये इसकी कोई बात कर रही है, कोई बात बता रहे हैं, है ना। तो बैड माउथ का यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है, आई डोंट लाइक टू स्पीक विद पीपल हु एंजॉय बैड माउथिंग, तो मेरे को उन लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता जो दूसरों की चुगली बुराई करते हैं। यू शुड नॉट बैड माउथ योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों की बुराई नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट बैड माउथ योर फ्रेंड्स। इस तरीके से हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, राइट। तो आई होप जो हमने आज नए 5 idioms एंड phrases पढ़े हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, अभी हमारे बी लेटर से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे idioms एंड phrases पेंडिंग है, वो हम अपने आने वाली वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।